हम लोग हैवी स्नोफॉल के चलते गौमुख ट्रैक की ओर तो नहीं जा पाए, बट हम लोग करा रहे हैं पांडव गुफा की ओर जा रहे हैं। अरे छोटो छोटो होना का है ना, जेंटलमैन हाउ आर यू, जस्ट मूव फॉरवर्ड। नीचे है, चलो जहाँ जाना है वहाँ चलो, ठीक वहाँ।
ये सब देवदार के पेड़ हैं। पूरा पहाड़ देवदार से भरा पड़ा है। मौसम ख़राब होने की वजह से एक बहुत ही दुखद समाचार है, जिस जो कि हमें ग्लेशियर जाने से मना कर दिया गया। तो हमें तो वो फॉलो करना पड़ेगा, जो गाइडलाइन है उसे फॉलो करना पड़ेगा। इस वजह से हमारे सारे मेंबर बहुत दुखी हैं। पर गंगोत्री में ही कुछ जगह है घूमने का जहां हम ट्रैक कर सकते हैं, तो एज़ मच एज़ पॉसिबल वी आर ट्राइंग टू इन्जॉय आवर ट्रिप। तो लेट्स टॉक टू एवरी मेंबर। कैसा लग रहा है जर्नी? तो बहुत सारे उम्मीदें लेकर आए थे हम कि ग्लेशियर जाएंगे एंड गोमुख गंगा जी का जहाँ से उद्गम होता है वहाँ दर्शन करेंगे। बट अभी जो अभी पुलिस के द्वारा जो भी अभी आया है अपडेट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को रोक दिया गया है। एंड थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर से प्लान करेंगे और फिर से आएंगे, मगर हार नहीं मानेंगे, हम लोग गौमुख जाएंगे। बात है साफ। क्या समझे सर? सब मिला जुला के यह बात बा कि अभी तक बहुत मजा कर नहीं जाए। भगवान ना चाहत रहन कि हमने की जाइल जाओ गंगा जी भी ग्लेशियर भी, ठीक बा? तभी हमने की और मजा लेते हैं, फिर भगवान बोले हैं जाइल जाई। बस बस, मन चंगा तो कठौती में गंगा, खुश रहो, आबाद रहो। काफी सुंदर और सुकून वाला दृश्य है। एक तरफ भागीरथी और एक तरफ ये जंगल और ये ट्रैक और ये देवदार की पेड़। काफी ये प्लीजेंट टाइप फील हो रहा है। हम लोग पांडव गुफा के पास पहुंचने वाले हैं, देखते हैं वहां पे क्या है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, गंगा वृक्षारोपण 2018 एंड 2019। ये 1200 पौधे रुपए के हैं। यहाँ पे ये पहाड़ की तराइयाँ हैं और वो ऊपर में जहाँ से रोड है बसें दिख रही हैं। ये सब एक एक पेड़ जो है बहुत ही मोटा मोटा पेड़ है और काफी प्रीशियस है। ये सब देवदार की लकड़ी है। सब इसमें जगह जगह पे पेड़ काटे भी गए हैं। ये देखिए, जैसे ये रहा, आगे भी गवर्नमेंट इन लकड़ियों का यूज करती है,
जो पेड़ पुराने हो गए या फिर गिरने वाले हैं उनको हटा दिया जाता है। उधर भी है, ये सब गंगोत्री नेशनल पार्क के तहत संरक्षित पेड़ हैं। और इनके लिए काफ़ी टफ रेगुलेशंस हैं, तब जाके ये पेड़ बचे हैं सही सलामत। ये सुंदर सा दृश्य, वाओ, इधर जाके घूमने लायक है। एक बार गंगा नदी को देखते हैं, भागीरथी को, चलते हैं इधर। यहीं काफी दूर से ही नदी की गर्जन सुनाई दे रही है। ये रहा नदी, माय गॉड, भयानक सा यहाँ पे स्पॉट है। मैं आगे नहीं जा सकता, काफी नीचे है नदी। और ये इसके नीचे दिखा पाना संभव नहीं है, खतरा है आगे। जब नदी चलती है तो कितने बड़े बड़े पहाड़ों को काट देती है, जैसे ये दोनों साइड बड़े बड़े पहाड़ हैं और बीच में नदी का रास्ता। अब यहाँ से सही सलामत पीछे हट लेते हैं। ये सामने का पहाड़, और ये बर्फ से भरे पड़े ग्लेशियर्स और पहाड़। अब थोड़ा सा अपनी भी पिक्चर ले लेते हैं। ये ऐसे पहाड़ काफी ऊंचा पहाड़ है, और उसके पीछे भी उससे भी ऊंचा है जिसपे बर्फ है।
ये बड़ा सा चट्टान, और ये कितना अच्छा सा पेड़ है। ये यहाँ पे एक और स्ट्रीम आके मिल रही है भागीरथी में। फाइनली आ चुके हैं पांडव गुफा के पास। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पांडव गुफा नीचे, चलते हैं नीचे। नीचे नीचे उतरना काफी खतरनाक होता है। ओहो माय गॉड, नीचे उतरना चढ़ने से कहीं ज्यादा रिस्की होता है। पांडव गुफा यही है गुरुजी, और ये है गुफा है नीचे में, बहुत अंधेरा गुफा है। चलते हैं इस पास से, बड़ा सा पत्थर है। चलिए अंदर चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, सीताराम जय श्री गंगे मैया पांडव गुफा। वीडियो बना रहे हो क्या गोपाल, वीडियो बना रहे हो? ये गेट है, चलिए सुधांशु जी। चलते हैं अंदर, अंदर गुफा है पहाड़ के। जब वो सर्वज जाते थे ना बाद में, जी वो समय राज को त्यागने के बाद वो हिमालय में आए थे जी। हाँ, तब यहाँ रुके थे गुफा में, इसलिए इसका नाम पांडव गुफा बचा। नहीं रुके थे हाँ। तो गंगोत्री से होके वो केदारनाथ गए थे, जैसे केदारनाथ में सुना है हमने कि वहां से ऊपर चढ़े थे वो और वहीं से स्वर्ग चले गए थे। जब वो गंगोत्री में आए थे तब ये गुफा में रुके थे, इसीलिए इसका नाम पांडव गुफा। अच्छा जी, ये बात है। सीताराम 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 बाबा, आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, 12 महीने इधर ही रहते हैं। 12 महीने? हाँ। कितने दिन से हैं आप यहाँ पे? 15 साल से। 15 साल से आपको गुरुजी? आप हिंदुस्तान के हैं? सही बोल रहे। आपको बाबा बहुत बहुत धन्यवाद बाबा नॉलेज देने के लिए। सीताराम, आपका ध्यान रखने के लिए यहाँ पे कुछ सुविधा दी गई है? काहे की सुविधा, कौन देगा सुविधा? भगवान जी देंगे, राम जी देंगे। सही बात बाबा, सही बात, देने वाला ऊपर वाला ही है। हम किसी कोई सुविधा मांगने के लिए बैठे हैं यहाँ, क्योंकि इसमें काफी ठंड होती होगी और जैसा भी होता है वैसा होता ही है। यहाँ पर रात को कितना ठंड हो गया था। हाँ, कल रात में बहुत ज्यादा ठंड थी। हाँ, यहाँ तो ठंडा ही ठंडा है सब। कौन जिला से है बिहार में? जी बिहार रोहतास सासाराम। बहुत अच्छी बात है, बिहार गए हैं। मारेगा कोई कान पे हमारे बिहार में? क्यों मारेंगे? नहीं मारेंगे। हाँ ऐसा क्यों? सब गुंडाला भंडार है बिहार में सब। अरे नहीं बाबा नहीं, हम लोग भी तो बिहार से ही हैं। 15 साल पहले का बिहार था बहुत पुराना बिहार था वो। क्या हमको नहीं सुनाई दे रहा है इसका? सुनो तो क्या बोल रहे हैं। आपके पास बिजली वगैरह सब कुछ है यहाँ पे? हाँ भाई, सब व्यवस्था, ये सब थोड़ा राहत मिलता होगा इससे। राहत मिलता है। चलिए, आधुनिक समय का कुछ तो फायदा है। हाँ, थोड़ा लकड़ी भी रखते हैं, थोड़ा सा भी साधन रखना पड़ता है या मजबूत साधन रखेंगे। हाँ, तो आपके खाने पीने का अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था कौन करता होगा? बाहर से कोई आता है? लेकिन खुद कर लेते हैं। जाते हैं आप बाहर में? खुद कर लेते हैं, खुद करते हैं। कुछ भगत ऐसे हैं जो राशन पानी दे जाते हैं हमको जी, उनको पता है बाबा रहते हैं वहाँ पर। वो साल के साल आते हैं या गंगोत्री में दर्शन के लिए जी। हाँ, तो साल के साल वो दे के जाते हैं पूरा राशन। ऐसे ऐसे बाबा के राशन वगैरह खुल है। तो बाबा आप मतलब उधर से खरीदते हैं जो बाजार में, तो उसके लिए कैसे मतलब व्यवस्था करते हैं? जो पैसा वगैरह तो आपको हो जाती है? सब हो जाती है, धीरे धीरे सब हो जाती है। दान पुण्य करते हैं? हाँ,
सब इच्छा हो जाती है तो आराम से आप लोग बस कुछ है ही कुछ खुला पैसा वगैरह राम जी चार धाम के लिए आए हैं बाबा मेरे पास भी 100 रुपए है कोई बात नहीं रख लीजिए आप हो सकता है कि आपको काम आ जाए राजी रहो बच्चा जी हम ऊपर तो नहीं आ सकते ना जूता पहने हुए हैं यहाँ रखो यहाँ रखो ये लो मंगल हो अच्छे रहो आओ सब आओ पैर छू सकते हैं आपका नहीं नहीं अच्छे रहो राजी रहो सुखी रहो ये लो बच्चा ले राजी रहो सुख रहो आपका तपस्या जो है एकदम सचमुच बोला भाई दुनियादारी छोड़ के आप यहाँ पे एकदम गुफा में रह रहे हैं बाबा एक तरह से पांडव गुफा का हम आपका ही दर्शन करने लोग आ रहे हैं सुनो बच्चा सुनो ये हमारी पुरानी परंपरा है जी साधु जंगलों में वास करते हैं साधु कंजराओं में रहते हैं साधु हिमालय में रहते हैं जी यही सत्य है ये पुरानी परंपरा है जी आज की परंपरा साधु महलों में रहते हैं अभी महलों में सही बात है बाबा सही बात है आज सब पता चले ये गणेश जी का वो है सुंदर है गौरीकुंड में हम हैं ये गणेश जी हैं उधर कुछ नहीं है इधर उधर वहाँ जाएंगे जब वहाँ से दिखाई देगा जब गणेश जी का दर्शन माता पार्वती स्नान कर तो ये दर्शन कर ये द्वारपाल दर्शन मिला है हाँ इधर आइए वो पत्थर में पा मार दीजिए ठीक है देखिए इस पत्थर में गौरी जी शिला रूप में विराजमान है अच्छा ये माता जी का नाभि कुंड है पहले प्रणाम कीजिए इसी ठीक है देखिए हम बोला ना उधर जाने के माना किया था उसीलिए हम माना किया उस पत्थर में पा मार दीजिए अभी गिर जाता और वहाँ ये दर्शन नहीं हुआ हमारा बात नहीं सुना ना दर्शन यहाँ से होता है ठीक है जूता है ना असुविधा में ऐ देखिए यह प्रणाम कीजिए ये माता जी का नाभि कुंड है ठीक है प्रणाम कीजिए देखिए ये है जनिकुंड आइए सब कभी दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे जी तो इसी स्थान का सब वर्णन है ठीक है यहाँ से गौरी जी का रूप से तेज से प्रकट हुआ था कौशिकी देवी जी जो सुम्मो निशुम्मो को बात जी 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 सुम्मो निशुम्मो हाँ और चंद्रमुंडा को बात किया चामुंडा रूप जी घर के सब यहीं से प्रकट हुआ यहीं से हाँ क्या बोलते हैं जगह को ये है जनिकुंड जनिकुंड हाँ इस पत्थर में माँ विराजमान जी ठीक है जी और ये जो शिवलिंग है यहाँ पर एक नजर से भक्ति पूर्वक देखिए तो यहाँ गौरी जी का रूप दिखाई देगा यहाँ शिव जी खड़ा है ठीक है भक्ति पूर्वक देखना चाहिए आँख से हाँ देखिए जुगल रूप दर्शन होगा यहाँ से देखिएगा तो यहाँ सांप भी दर्शन होता है नाग भी दर्शन होता है ठीक है ये गौरी जी का रूप है शंकर जी का रूप है हाँ जी ये शिवलिंग है ये जनि कुंड है जी शास्त्र देखे देवगण सुसज्जित किया था इस जगह पे इस जगह पे जी ठीक है गौरी कुंड देखिए यार यहाँ प्रकृति से शिवलिंग दिखाएंगे जो
ध्यान से देखिए, गणेश जी वहाँ है ना, गणेश जी का सुंड वहाँ खत्म हुआ, तो पहले शिव जी को नहारा। देखिए शिव जी देख रहा है ये, और दो दिन बाद आएंगे तो दिखाई नहीं देगा। ये जो पत्थर देख रहा है जी, शिवलिंग देख रहा है, तो वो जल पहले शिव जी नहारा है जी, ठीक है। आप लोग लेट कर दिया, सूर्य जब इसी स्थान पे रहेगा तो यहाँ सूर्य किरण जो सूर्य किरण नहीं, वो जो सेवन कलर्स, अच्छा रेनबो बनता है, यस, तो रेनबो दिखाई देता है। शिवलिंग देखा, यही ना, हाँ ये दिखाई दे रहा है, हाँ, तो ये सूर्य कुंड पे भी है, तो सूर्य वो शीतकाल में आने से पूरा दिखाई देता है। दिखाई दिया शिवलिंग, दिखाई दिया, अच्छा एक बार छवि में दिखाइए, ये जो कैपिंग है ये शिव जी का दर्शन है, शिव जी इस कुंड त्रिशूल लेके गया था, यहाँ गंगा जी पूरब से आके उत्तर वाहिनी होके इस कुंड को प्रदक्षिण कर रहा है। अच्छा। उत्तर वाहिनी गंगा जहाँ जहाँ है प्रसिद्ध, पूरब से आ रही है पहले, हाँ, और ये उत्तर वाहिनी होके उत्तर हो रही है, इसी कुंड फिर का परिक्रमा कर रहा है। अच्छा ठीक है जी। इसका नीचे गौरी जी नहा रहा है। अच्छा अच्छा, मोबाइल पे देखिए शिव जी का रूप दिखा रहा है छवि में, बोलिए शिव जी खड़ा है त्रिशूल लेके, शिव जी का जटा में गंगा गिर रहा है, पैर का नीचे से गंगा बह रहा है। आइए हमारा इस स्थान में ना कोई नहीं रह सकता है रात में। अच्छा ना, कोई ऊपर में, हाँ यहाँ पर, यहाँ पे ये है सिद्धपीठ। अच्छा यहाँ साधन ध्यान करने का जगह है। उनको क्या बोले, सिंह वाहिनी माँ, हाँ सिंह वाहिनी माँ, ठीक है, हाँ बीच में। अच्छा जो असुर जो वध हुआ ना अपने पांडव गुफा से, अच्छा जितने असुर को निधन किया सब उसी जगह में, अच्छा दुर्गा सप्तशती में सब उल्लेख, पांडव गुफा के पास, पांडव गुफा जाते जाते देखा ना पत्थर का दाएं, हाँ, वो पकड़ी गया था वहाँ पे, हाँ, हाँ, इधर पूरा पत्थर देखा मैंने, बड़ा पत्थर था, उसी स्थान प्लेन एकदम था, जी मैं वहाँ पे गया अभी, हाँ उसी स्थान पे सब असुर को निधन किया। और इसी स्थान पे अगर बैठ के ध्यान पूर्वक भक्ति पूर्वक देखेंगे जी, तो यहाँ पर जुगल रूप दर्शन होता है जी, ठीक है। गौरी जी का रूप दिखाई देता है, शिव जी का रूप दिखाई देता है, शिवलिंग हो गया।